डाइट का मैंने जैसे पहले बताया, वी शुड हैव मोर ऑफ नेचुरल फूड्स, ठीक है, फैट डाइट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा बाहर का खाना जो बहुत हाई इन कोलेस्ट्रॉल खाना नहीं खाना चाहिए। आई डोंट से कि बिल्कुल बंद कर दो, मुंह के स्वाद के लिए कभी ना कभी यू कैन हैव इट, बट यू शुड नॉट हैव इट टू फ्रीक्वेंटली। हमें ज़्यादा नेचुरल चीज़ें, सब्जियाँ, ये सब खानी चाहिए। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन जो भी हम डाइट खाते हैं, वी शुड ट्राई कि वो मॉडरेशन में खाएं, एक ही चीज़ एक्सेस में ना खाते जाएं किसी किसी डाइट को फॉलो करते हुए। अगर हम ऐसा करेंगे, बैलेंस डाइट खाएंगे, राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स खाएंगे, दैट विल बी वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, बोथ हार्ट हेल्थ एंड अदरवाइज आवर हेल्थ ऑल्सो। सेकेंड, हमें अपना वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। वी शुड ट्राई कि हमारा जो भी हाइट के अकॉर्डिंग वेट की रेंज है, हम उसके अंदर रहें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। वॉकिंग बाई इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। अगर आप और कोई जिमिंग वगैरह नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, साइकिलिंग या वॉकिंग कर ले, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। बट मेरा हमेशा सजेशन है हर किसी को कि अपने लिए एक 45 मिनट जरूर निकाले जिसमें दे कैन डू रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज मे बी सम मेडिटेशन, योगा, बट 45 to 1 आवर्स एक अपने लिए जरूर निकालना चाहिए।